हे गाइस, पूल कंस्ट्रक्शन पार्ट वन में आपका स्वागत है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूल कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, और एक अभी हम एक पूल की मेंटेनेंस करने वाले हैं। उसको पूरा जो है हम डिसमेंटल करेंगे और पूरा कम्प्लीटली रिन्यू करेंगे। उसमें सारी पाइपलाइंस चेंज होंगी, उसकी सारी टाइलें चेंज होंगी, सब कुछ चेंज होगा, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ। तो अभी हम साइट पे हैं और मैं आपको दिखाऊं तो पूल मेरे पीछे ही है। जस्ट ये यहाँ चेंजिंग रूम वगैरह बने हुए हैं। तो अभी जो है डिसमेंटलिंग का काम चल रहा है यहाँ पर। इसके बाद जो है यहाँ पर पलस्तर वगैरह इन सब का काम चलेगा, और मैं धीरे धीरे दिखाता रहूँगा कि सिविल वर्क में पूल वगैरह का कैसे काम होता है, क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी होती हैं, क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी होती। तो रिपेयर का काम है, नया पूल नहीं बन रहा, लेकिन इसमें नए जैसे ही काम काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो गाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ पूल। तो कुछ इस टाइप का देखो गाइज़ पूल है, काफ़ी डीप पूल है ये। ये ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए पूल बनाया गया है, और इसका वॉच टावर यहाँ, मतलब जंपिंग टावर यहाँ पर है, यहाँ से जंप होता है। और ये पूरा का पूरा जो है डिसमेंटल होगा। अभी इस टाइप का जो है ना करंट स्टेटस इसका ये है। यहाँ पर सारी टाइलें निकलेंगी, और सारी टाइलें निकलने के बाद यहाँ एक पाइपलाइन भी जा रही है, आप देख रहे होगे ये इधर, यहाँ पर एक पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन पूरी चेंज होगी। और जो मेन इसकी पाइपलाइन है यहाँ पर एक सीवर टाइप का दिख रहा होगा, ये पाइप जो है इसका जा रहा है उधर की तरफ पंप रूम की तरफ, ये भी पूरा चेंज होगा। अभी लेबर लगी हुई है डिसमेंटलिंग पे, और यहाँ पर इसके चेंजिंग रूम वगैरह स्टाफ के लिए जो रूम वगैरह वो सारा यहाँ पर दिया गया है। ऊपर रूफ टॉप पे उसकी टंकी वगैरह रखी हुई है, पीछे वहाँ पर जो स्टेप्स बने हुए हैं विजिटर्स के लिए, कोई कंपटीशन वगैरह होल्ड होता तो वहाँ उसके लिए। और उसी के नीचे जस्ट एक जो है पंप रूम है, आगे वाली आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस टाइप का पंप रूम है। उसको भी हम डिसमेंटल करेंगे, पुराने जो है फिल्टर विल्टर सब बाहर निकालेंगे। तो तब तक के लिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में।